अमेरिका में कौन बनेगा राष्ट्रपति, एबीपी न्यूज पर इसी बड़ी कवरेज के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। लगातार आज सुबह से एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव, नतीजों का दिन आज और पल पल जो तस्वीर बदल रही है। सवाल एक ही है जिसके जवाब का इंतजार है, ट्रंप या कमला, किसका सिक्का चलेगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से 2017 राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। वहीं 2020 में जब भारत में ट्रंप आए थे उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और 2024 में जब चुनाव में प्रचार में जुटे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त जो उन पर हमला हुआ, और ये हमले वाली तस्वीर दिखाना इससे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि ये हमला भी एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा इस चुनाव में बनकर उभरा और कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर अमेरिका की एक बड़ी आबादी जो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आकर खड़ी हुई। वहीं कमला हैरिस की अगर बात की जाए 2020 में उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, 2024 बाइडन कहां तो उम्मीदवार के तौर पर आगे थे लेकिन उसके बाद उनकी उम्मीदवारी वापस ले जाने के बाद उनकी पार्टी की तरफ से कमला हैरिस को यह कमान सौंपी गई और 2024 में जबरदस्त प्रचार करते हुए बराबरी का मुकाबला और बराबरी की टक्कर पर लाकर इस राष्ट्रपति चुनाव को कमला हैरिस ने खड़ा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ताजा जानकारी मिल रही है। रुझानों में बहुमत से 65 इलेक्टोरल वोट की दूरी पर डोनाल्ड ट्रंप, ये रुझान है। एक बार फिर से हम आपको बता दें नतीजों में अभी वक्त लगेगा लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप 205 इलेक्टोरल वोट के साथ बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन रुझानों में 65 इलेक्टोरल वोट के फासले पर बहुमत से कमला हैरिस को अभी 117 इलेक्टोरल वोट ही मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में आप जानते हैं 270 जादुई आंकड़ा, मतलब वो बहुमत वाला आंकड़ा, क्योंकि कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं जो अमेरिका के इन 50 राज्यों में फैले हुए हैं। वो राज्य अमेरिका के जो कमोबेश बटे हुए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जो स्विंग स्टेट्स, मतलब वो झूला झूलते हैं, कभी वो रिपब्लिकन पार्टी के पाले में चले जाते हैं कभी वो डेमोक्रेट्स के पाले में आ जाते हैं। और इस बार वो झूला झूलने वाले राज्य, मतलब जो किसी के साथ निर्णायक तौर पर या किसी के गढ़ के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, वो इस बार कहां जाएंगे, किसके पाले में आएंगे, इसी को लेकर सारा का सारा सस्पेंस और इसी को लेकर सारा का सारा रोमांच है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर अभी का एक और बड़ा अपडेट ये कि अमेरिका में 8 राज्यों में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है। वॉशिंगटन में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, कैलिफोर्निया में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, अलास्का में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, नवादा में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, और नवादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये स्विंग स्टेट है। ओरेगन में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, इडाहो में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अभी भी कई ऐसे राज्य हैं, 8 राज्य हैं जहां तो अभी गिनती शुरू हुई ही नहीं। और इसमें महत्वपूर्ण कैलिफोर्निया इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की संख्या है वो 54 है। साथ ही वॉशिंगटन, ये भी एक बड़ा राज्य, 12 इलेक्टोरल वोट्स वाला, हालांकि चाहे कैलिफोर्निया हो या वॉशिंगटन हो, ब्लू स्टेट्स के तौर पर इनकी पहचान है, मतलब डेमोक्रेट्स के गढ़ के तौर पर, उस पार्टी के गढ़ के तौर पर जिससे कमला हैरिस आती है, इन राज्यों की पहचान है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।